बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां महिला पुलिसकर्मी पर हमले का मामला, लापरवाही को लेकर कोतवाल किया गया सस्पेंड। एफआईआर दर्ज करने की बजाय मैनेजमेंट में जुटे थे प्रभारी। सीपी लक्ष्मी सिंह ने रबूरपुरा कोतवाल को किया सस्पेंड। रबूरपुरा में महिला पुलिसकर्मी से हुई थी बदसलूकी। महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल भी लूटा गया था। ड्यूटी जाते वक्त महिला पुलिसकर्मी को अकेला पाकर किया हमला। गला दबाकर झाड़ियों में खींचा ट्रैक्टर सवार, लोगों ने बचाई महिला की जान। बदमाश महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल छीन कर हुआ फरार। मुकदमा दर्ज, पुलिस कमिश्नर ने SHO को किया सस्पेंड। थाना रघुपुरा में तैनात महिला पुलिसकर्मी अलका चौधरी के साथ एक मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/12/22 को शाम लगभग 7:30 बजे जब वे थाना दादरी से थाना रघुपुरा अपनी ड्यूटी हेतु आ रही थी, उसी समय एक शराबी व्यक्ति द्वारा रास्ता पूछने के बहाने उनको रोका गया और मोबाइल छीन करके भाग गया। पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है, साथ ही SP4 के निर्देशन में टीमें गठित कर गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।